नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के सरकारी गुरु नानक देव अस्पताल में 2 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र में लाहौर नहर कोली ट्रैक पर खड़ी लावारिस कार में से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस ने 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 1.5 किलो हेरोइन, 53,000 रुपए की नकदी, 1 देसी कट्टा और 1 स्विफ्ट कार की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर का सरकारी गुरु नानक देव अस्पताल एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। दरअसल 2 जून को 2 वर्ष के बच्चे को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। रिश्तेदारों के मुताबिक जब नर्स ने बच्चे को टीका लगाया तो वह फोन पर बात कर रही थी, जिस कारण उसने टीके की तरफ ध्यान नहीं दिया। किस चीज का टीका लगाया जा रहा था, परिवार वालों ने उस टीके की शीशी संभाल ली। जैसे ही बच्चों को टीका लगाया गया, उसके बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई और बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। रिश्तेदारों का कहना है कि उक्त नर्स टीका लगाने के बाद अस्पताल से गायब है और वह अस्पताल भी नहीं आई, जिसकी लापरवाही के कारण उनके बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो वही परिवार बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल के बाहर बैठा है और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी का कहना है कि दक्षप्रीत सिंह नामक एक बच्चा गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। परिवार वालों का कहना है कि नर्स की ओर से गलत टीका लगाया गया है, जिस कारण बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच कमेटी बैठा दी गई है, रिपोर्ट आने के बाद ही वे बनती कार्रवाई करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम रविंदर लागे माचे वाला पिंड है साडा, हूं अमृतसर गुरु नानक हॉस्पिटल च बेबे ना। हांजी हांजी, 2 साल 2 महीने का जी दक्षप्रीत, कुछ नहीं लत ते मारी जी पास सीगी, जेदे करके आप एडमिट करवा लिया। इतने करा लिया इंजैक्शन लगते ही, वो एक मैडम आई आ, उन्हें इंजैक्शन वेख्या नहीं, फोन ते लगी, फोन ऐ करके लाया। 2-3 बारी उन्होंने कहा भी है मैडम इंजैक्शन लाना वा, उन्हें इंजैक्शन कोई होर ला के फट के लाते, सुन वाला इंजैक्शन सारा ही सुन वाला लाता, साढ़े को इंजैक्शन पिया प्रूफ मेरे को। गल अं इतने ना इदा सेवा करते हैं, अं इतने पहुंचे कल तो हॉस्पिटल के बच्चा इदा ही मतलब मशीन उत्ते लगा है, अं आन के पूछा डॉक्टर, उन्होंने कोई चीज़ नहीं दसी, कहते कि सू नहीं कुछ पता है, इंजैक्शन आ मोनोसैफ लाना ही आला इंजैक्शन, आ इंजैक्शन भरया पिया वा बिच, पर ला उन्हें आला इंजैक्शन दिता भी 4 ml बेहोशी वाला इंजैक्शन है, ICU च जाके लगता है। परिवार को ना ये गल कही कि कोई गल की आप बच्चा मशीन तो ला देंगे, तो कोई इन परिवार को इंसाफ नहीं, जिन्हें भी परिवार के पैसे लगते रहे सारे लगते रहे, कोई ये नहीं कि साढ़े को गलती हुई है अं मतलब कि वो कारण अं तुम कि होर शिफ्ट कर दें, इदा का कुछ नहीं उन्हें किया, उन्होंने पूरे पूरे पैसे दवाइया के पैसे हर एक चीज़ के पैसे इन्ना को वसूल किए, ये अज नहीं इदा हो हर रोज़ हो जे अज इन्हों इंसाफ ना मिले आने वाले कई बच्चे सैकड़े बच्चे इतने आन के खत्म हो जाने। ये एक बच्चा 3 तरीक नूं दाखिल होया जी, दक्षप्रीत सिंह, उन्होंने इनफेक्शन ही उहदा इलाज चल रहा, अज उहदी डैथ हो गई है। इन्हां दा पेरेंट्स का यह ब्लेम है भी उन्हों कोई गलत टीका इंजैक्शन लाया गया, जिहदे संबंधी उहदे कारण उहदी डैथ हुई है, उहदे संबंधी जांच कमेटी बह गई है, वो जो रिपोर्ट दूगी साडे को आऊगी अहीं उहदे मुताबिक कार्रवाई कर देंगे। अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र में चुंगावा से अमृतसर रोड पर लाहौर नहर कोहली ट्रैक पर खड़ी लावारिस ऑल्टो कार में से लगभग 30 वर्षीय एक युवक का शव
बरामद हुआ है, जिसके मुंह से झाग बाहर आने के साथ सूख गया था। इसकी जानकारी एक स्थानीय व्यक्ति ने थाना लोपोकी के मुख्य अधिकारी हरपाल सिंह सोडी को दी, जिसके बाद वे पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे और वाहन के कागजात की जांच के बाद पाया कि वाहन का मालिक गुरसेवक सिंह निवासी बान खुर्द झबाल रोड अमृतसर को पाया गया। ड्राइवर की सीट पर मृत मिले युवक ने काले रंग की शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहनी हुई थी और उसके बाएं हाथ पर टैटू बना हुआ था। उसका मोबाइल और पर्स गायब मिला। इस दौरान पास ही के एक डेरे में रहने वाले युवक ने बताया कि गत दोपहर 3 से 4 बजे के बीच यहां गाड़ी खड़ी थी और उसका एक और साथी था जो उसे बुरी हालत में छोड़कर भाग गया। तो वही जांच करने के बाद मृतक की पहचान मनप्रीत सिंह निवासी महमदपुरा थाना लुपोकी के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नहर के कोलों लाश मिली है, तो की कहना चाहोगे इस बारे, की लगा पता कुछ? सर जस्ट ना उन्होंने कोई 2 घंटे पहले पता लगा से इस गल का, तो इतने एक कार दे विच डेड बॉडी पई है। वो फिर असी मौके पर आए देखा जी, तो इस नौजवान के मूँह चो काफ़ी झिग निकली है। पहले तो सानू पता नहीं, फिर कार के नंबर तो गाड़ी तस्दीक करके इस बंदे नू ट्रेस आउट किया वा। मनप्रीत सिंह पिंड मैम तो परे था, वार साढ़े को जस अजे पहुंचे जी, फिर अभी सारा कुछ इन्होंने पछ कर अगर कार्रवाई की। शक है कोई कतल नशे करके? वेखो जी मूँह चो झिग निकलती पई है ना जी, वो तो कोई इस तरह का शक लगता हो कोई चीज़ जिदा निकली होंगी है, फिर भी यदा आफ्टर पोस्टमार्टम सारी गल क्लीयर हो जाएगा जी। पता लगे कि नशा तो वादी है? नहीं, ये वारसा पुछते हैं जी, फिर जो भी जस्ट साढ़े को आए हैं तो अं हूँ उन्होंने पता करके उन्होंने जिस तरह भी अगर कार्रवाई करते हैं पोस्टमार्टम करके पता लग जू जी हो जाएगा। जालंधर में डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईए स्टाफ की तरफ से बड़ी रिकवरी की गई है, जिसमें 1.5 किलो हेरोइन के साथ 4 व्यक्तियों को भी काबू किया गया है। और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1.5 किलो हेरोइन, 53,000 रुपये की नकदी और एक व्यक्ति के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक स्विफ्ट कार और एक इलेक्ट्रॉनिक कंडा बरामद किया गया है। अभी तक पूछताछ में यह सामने आया कि लोग कपूरथला के रहने वाले हैं, जो कि अमृतसर से हेरोइन लेकर आए थे और जालंधर में अलग अलग जगहों पर डिलीवर करने वाले थे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, आज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंधी मैं दसना चाहना कि पंजाब सरकार वालों नशे के खिलाफ जी मुहिम विधी हुई है, ये पंजाब दे विच नशा मुक्त पंजाब नूं कैसी करना हैगा, उस लड़ी के तहत साढ़े कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कुलदीप सिंह चहल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उन्होंने हदायतों के अनुसार जिहड़ी हैगी असी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम तोरी हुई है। उस लड़ी के असी कल जिहड़ी हैगी 500 ग्राम जिहड़ी फीम है, 1 किलो फीम है, और रिकवर की है। ये अमनदीप उर्फ अमन नाम का व्यक्ति जिहड़ा हैगा थाना लांबड़ा जी का पिंड पैंदा, जिहनूं असी अरैसट किया, उम्र करीब 26 साल है। ये असी डंगाई नाल होने की पुछगिछ कर रहे हैं कि अफीम इसने कितों लैके आया सी, की उहदा ओरिजन हैगा, कितने इन्हें सप्लाई करनी सी, ते कदों दा इस काम दे विच ड्रग्स दे काम दे विच इनवॉल्व है। सर इत्थे कोई पहले भी मामले दर्ज? हले मुढ़ली पुछगिछ दे विच जिहड़ा हैगा इस तरह की गल सामने नहीं आई, तो ये हुण असी इहदा पुलिस अज इहनूं अदालत विच पेश करके जिहड़ा इहदा रिमांड लैके अगली पुछगिछ असी करके उहदे विच इहदे सारे एंटीसीडेंट्स जिहड़े ने वेरीफाई। थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने गत दिनों बबरीक चौक के नजदीक हुई मोबाइल स्नैचिंग की घटना को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना 5 के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र मोहन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अभिषेक नन्नू निवासी पंछी नगर कोट सदीक जालंधर और लविंदर सिंह लाडी निवासी टावर कॉलोनी महतपुर जालंधर के तौर पर हुई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इनमें से आरोपी लविंदर सिंह पर पहले भी मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट।
जालंधर के डीसीपी हरविंदर सिंह विर्क द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गत दिवस उनकी टीम ने अमन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है कि ये आरोपी कहां से अफीम लेकर आया था और आगे किससे देने वाला था। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि उससे आगे की पूछताछ की जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साढ़े सीए स्टाफ जालंधर कमिश्नरेट वालों जी है एक रिकवरी की गई है जिद डेढ़ किलो हैरोइन हैगी है। चार व्यक्तियों अरैसट किया गया ये जी ड्रग्स के खिलाफ जी गवर्नमेंट वालों तो मानयोग डीजीपी वालों जी नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की गई उस तहत साढ़े कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कुलदीप सिंह चहल उन्होंने हदायतों के अनुसार जी टीम गठित की हुई हैं एंड बहुत जी संजीदगी जोड़ा है जो नशे के खिलाफ असी एक बीड़ा खत्म करने वास्ते चुकया हुआ तो इस लड़ी के जी सीआईए स्टाफ को कामयाबी मिली जिस साडे एडीसीपी मिस्टर कमलजीत चहल एंड एसीपी परमजीत सिंह एंड साडे सीआईए इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह इन सारे ने जी कलैक्टिव एफर्ट्स नाल जिहड़े रिकवरियां जिहड़ियां पॉसिबल हुई हैं। इस रिकवरी के डेढ़ किलो हैरोइन 53,000 की जी है ड्रग मनी असी रिकवर की एंड एक दोषी को देसी कट्टा जोड़ा है 315 पुर का रिकवर किया। एक इन्हों तो स्विफ्ट गड्डी जी रिकवर की जिस दे रिकवरी हुई है एंड प्लस इन को इलैक्ट्रॉनिक कंडा जोड़ा है सी वो नाप तोड़ वास्ते इन्होंने गड्डी के रिकवर हो मुढ़ली पुछगिछ के आया कि चारे दोषी जोड़े है डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के रहने वाले हैं आपस के जानकारी से। फरीदकोट जिले के गांव चंद भान के गुरुद्वारा साहिब के गुल्लक तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी करने वाले चार आरोपियों में से तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि उनका चौथा साथी अभी भी फरार है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी जसमीत सिंह ने बताया कि 3 जून को गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी जसबीर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वे सुबह 4 बजे गुरुद्वारा साहिब में आया तो गुरुद्वारा साहिब की गुल्लक तोड़ी हुई थी जिसमें से 40,000 रुपयों के अलावा एलईडी डीवीआर इन्वर्टर और बैटरी भी चोरी हो चुकी थी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज एसआई कुलबीर चंद और हवलदार गुरप्रीत सिंह द्वारा जांच की गई तो आरोपी मोहनजीत सिंह जसकरण सिंह उर्फ गग्गी दोनों निवासी गांव चंद भान और मनप्रीत सिंह उर्फ राजू निवासी गांव वांदर को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से चोरी की गई नकदी एलईडी इन्वर्टर बैटरी और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। 3/6/23 पिंड चंद भान के गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह जिहड़े ग्रंथी सिंह ने दस्सिया कि जदों सवेरे 4 तरीक नूं आया तो उन्हें देखा कि गुरद्वारे के जिंदरे टुटे हुए हैं तो गोलक भी भन्नी हुई है जिस चों तकरीबन 40,000 रुपए की करंसी कोई सिक्के कोई नोट गायब सी डीवीआर इनवर्टर बैटरा एलसीडी ये भी चोर लै गए सन ते उन्होंने फिर आके थाने तलाह दी 2 बंदियां दे अगेंस्ट कि भाई आ फलां फलां बंदे हैगे ते उन्होंने अपना एक थाने च परचा दर्ज किया जी गुरां दित्ता सिंह एक जिहड़ा की हैगा सवाई महिमा जिला बठिंडे का एक मोहनजीत सिंह हैगा वासी वांदर मोगे का ये परचा दर्ज करके एंटी नारकोटिक स्टाफ नी जिम्मेदारी सौंपी गई कि बंदे छेती को छेती फड़ के जो चोरी वाला समान है बरामद की कराया जाए ये अपने जो एंटी नारकोटिक स्टाफ ने जो चोर है उन्होंने फड़िया है ये जो मोहनजीत है एक तो उन्होंने फड़ लिया नाल जसकरण सिंह मनप्रीत भी नाल फड़े ने यह मोगे का जिहड़ा मनप्रीत है जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो बरनाला द्वारा पंजाब के युवाओं को रोजगार देने के मद्देनजर विशाल रोजगार मेला लगाया गया जिसमें तकरीबन 20 बड़ी इंडस्ट्रीज और ब्रांडेड कंपनियों ने रोजगार के लिए नौजवानों की इंटरव्यू ली। इस अवसर पर जिला रोजगार दफ्तर अधिकारियों ने बताया कि उनके पास 200 से ज्यादा वैकेंसी सभी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई हैं जो अपने आप में एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
और नौजवानों के लिए रोजगार पाने का अच्छा मौका भी है। इस रोजगार मेले में बड़ी गिनती में रोजगार की चाह रखते नौजवान लड़के लड़कियां पहुंचे हुए थे और उन्होंने इस रोजगार मेले में रोजगार पाकर पंजाब सरकार का विशेष धन्यवाद किया। वहीं अलग अलग कंपनियों से आए एडवाइजरों ने भी पंजाब सरकार के इस उद्यम की प्रशंसा की। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मैं जिला रोजगार दफ्तर अते मानयोग डिप्टी कमिश्नर बरनाला जी वालों पंजाब सरकार दा अते इस रोज़गार मेले में आए सारे प्रार्थियों अते कंपनियों का धन्यवाद करना चाहता हाँ। मैं जैनेन्द्रनाथ शर्मा अपनी टीम करियर काउंसलर सहमाना मैम ते PSGM ऑफिसर मिस्टर कमल वर्मा जी के नाल उन्होंने सहयोग नाल जिहड़ा ये रोज़गार मेला लगाया गया है जिले में 20 तो वध कंपनियां ने वध चढ़ के भाग लिया। जिले में बेसिकली अपनी जी ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट कंपनीज आ जानी है एजाइल है SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है शेयर इंडिया है पुखराज हेल्थ है सैफरन सन सिक्योरिटी है और मेजर इंडस्ट्री के अगर आप बरनाले जिले की लेके चलीए तो ट्राइडेंट IOL शिवा इक्यूपमेंट्स मेघराज गोयल कन्हैया सॉल्वैक्स इस तरह की अपनी जी रिप्यूटेड कंपनीज ने इन्होंने वध चढ़ के अपनी वक् वक् असामिया के लिए भाग लिया तो अपने जिला रोज़गार बरनाला दे बच्चों जोड़े नौकरी के चाहवान हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं उन्होंने रोज़गार का एक मौका प्रदान किया जाए। मैं जसपाल सिंह शर्मा लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया LIC जिन्होंने कहते हैं उहदे वल्लों विकास अधिकारी के तौर पर भर्ती अफसर के तौर पर अज इस रोज़गार मेले के शामिल होया। यह रोज़गार मेला बहुत ही वधिया प्रबंधा हेठ जिला प्रशासन वालों किया गया। इस दे विच सैकड़े ही विद्यार्थी या रोज़गार के चाहवान लोगों ने हिस्सा लिया। मेरे को भी 45 तो लेके 50 उम्मीदवार आए सीगे जिहड़े इस गल नाल संबंधित कारोबार करना चाहते सी। मेरा नाम हरजीत कौर पिंड गागेवाल तो मेरा लड़का हरजोत सिंह ना वो बोल सकता ना वो सुन सकता है। पंजाब सरकार वालों जिला बरनाला दे विच रुजगार मेला लगाया गया जिदे विच मेरा बच्चा KFC दे विच ते सैफरून दे विच रखिया गया गा तो दोनों कंपनियों के मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि अजक नौकरियां मिलनिया बहुत औखिया गई क्योंकि फिर बच्चा बोलता इन्हों तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही हैगी। सर मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी। जिहड़ा पंजाब सरकार ने यह मेला लगाया ये बहुत वधिया मेला गा ये वध चढ़ के विद्यार्थी ने हिस्सा लिया तो मैं भी एक बिच इंटरव्यू दिती जिथे मेरी सिलैक्शन हो गई। ये रुजगार है जिहड़ा ये गरीबों की सहायता वास्ते पंजाब सरकार वालों बहुत वधिया मुहिम चलाई गई है। धन्यवाद। UPSC में भारत में छठे स्थान पर आने वाले गुरसिख राजवीर सिंह मरवाहा को जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विशेष सम्मान दिया। जत्थेदार साहिब ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सिख अपनी योग्यता के बल पर सिख राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को इस गुरसिख से मार्गदर्शन लेना चाहिए और विदेश जाने की बजाय पंजाब में रहकर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर गुरसिख युवक राजवीर सिंह मरवाहा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब में उन्हें सम्मानित करने के लिए वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और वे अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का धन्यवाद करते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बहुत बहुत बड़भागी हैं जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि साड़ी जी टेंपोरल सीट है उत्तों मैं अपने करियर की शुरुआत से आशीर्वाद मिले है तो मैं चाहवागा वो तो वध चढ़ के जिन्ना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता अपने पंजाबीयत अपनी कौम को अगे वधाने लिए। बस सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक की समृद्धि शाखा ने अपना 8वां स्थापना वर्ष मनाया और इस कार्यक्रम में शाखा के प्रबंधक पवन बस्सी ने एक अनोखी पहल करते हुए शाखा की 8वीं वर्षगांठ को बड़े ही अनोखे ढंग से मनाते हुए अपनी शाखा के सम्मानित ग्राहकों को शाखा परिसर में बुलाया और शाखा की 8वीं वर्षगांठ उनके साथ साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाखा ने अपने 8 वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे किए हैं क्योंकि इस शाखा को अपने सम्मानित ग्राहकों का को सहयोग और प्यार मिला और शाखा भी उनके बैंकिंग आवश्यकताओं को अच्छे ढंग से पूरा करने में कामयाब रहा है। समृद्धि शाखा ने अपने ग्राहकों की हमेशा ही अच्छे ढंग से सेवा की है और सभी सम्मानित ग्राहकों को हमेशा संतुष्ट रखा है। इस दौरान पवन बस्सी ने वर्तमान में चल रही भारतीय स्टेट बैंक की महत्वपूर्ण बैंकिंग योजनाओं के बारे में अपने ग्राहकों को विस्तार पूर्वक बताया और उनके सुझाव भी लिए। इसके अलावा कई सारे ग्राहक सेवा के मुद्दों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम के अंत में पवन बस्सी ने ग्राहकों में 100 पौधों को वितरित किया।
हाल ही में संपन्न हुए विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में उनसे अपील भी की कि पौधारोपण कर अपने शहर के वातावरण को स्वच्छ और बेहतर बनाया जाए। इस मौके पर नरेश कुमार, ममता धर्मपाल, SBI वेल्थ से शैली गुप्ता, जितेंद्र जसबीर, ग्राहकों में मेला सिंह, दविंदर अरोड़ा, रमन कपूर, सुनील त्रेहन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जो कस्टमर है आप कुछ कस्टमर अप्रोच किया अज वो ना कि अज सा ब्रांच आए हैं तो उन्होंने अपने उन्होंने गाइडलाइन ली कि साढ़े चेड़ी चीज़ का अपना सा सुधार होना चाहिए वा कि तुम किस चीज़ की प्रॉब्लम हैगी है सू शेयर करो कि साम सही तरह नहीं होंगे या कोई चीज़ नहीं होंगे। कई ने सू सुझाव दिता कि सू इदा की फैसिलिटी चाहिए है आप कोई ना समृद्धि ब्रांच है तुम इदा की फैसिलिटी मिलेगी। तो उस तो बाद कि थोड़ा साढ़े को 8 साल हो गया इस ब्रांच खुले कस्टमर आप 2-2.5 हज़ार कस्टमर है जो सा जुड़िया हुआ वा तो बाकी अज उस तो बाद एक थोड़ा छोटा जहाँ कि इनवायरमेंट डे जो चल रहा है वह ना कि आप जिन्हें भी साढ़े कस्टमर आए हैं वो सारे आप एक एक बूटा दिता वा। प्राचीन काली माता मंदिर मोता सिंह नगर मार्केट कमेटी जालंधर और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 17 अगस्त से 25 अगस्त तक मां चामुंडा धाम में देसी घी का लंगर लगाया जा रहा है और 23 अगस्त को वार्षिक जागरण करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर एक विशेष मीटिंग भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर में की गई। इस मीटिंग में विशेष तौर पर प्रधान शशि शर्मा, भगवान वाल्मीकि आश्रम के चेयरमैन विपिन सब्रवाल, वाइस चेयरमैन मनोज नन्ना ने विशेष तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान पंडित शशि शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां चामुंडा धाम में 14वां वार्षिक भंडारा और माँ भगवती का जागरण बड़ी ही धूमधाम से करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को कंजक पूजन के साथ लंगर की शुरुआत होगी और 23 अगस्त को करवाई जा रही जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक मास्टर सलीम मां भगवती की महिमा का गुणगान करेंगे। उन्होंने बताया कि भंडारे के दौरान चिकित्सा शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम 3 दिन सेवा करेगी। उन्होंने बताया कि भंडारे के दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, SC कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन विजय सांपला, सांसद सुशील रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक प्रगट सिंह, पूर्व चेयरमैन तेजेंद्र सिंह बिट्टू, पूर्व विधायक KD भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया मुख्य मेहमान के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर विजय शर्मा, शिव शर्मा, GK कुमार, लकी ओब्राय, संदीप लक्की, आनंद बैंस, सार्थक शर्मा, योगेश शर्मा, बिल्ला पहलवान, सतेंद्र पाल, हरविंदर सिंह, सोनू बाबा, शौंकी, नरेश देवगण, मनजीत सिंह, बॉबी, साजन बैंस, राजू अरोड़ा, चेतन नाहर, बालकृष्ण बाली और टिम्मा सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जय माता दी सारिआं नूं। प्राचीन काली माता मंदिर वल्लों जिमें कि हर साल माँ चामुंडा देवी जी के दरबार के लंगर का आयोजन किया जाता है, इस बार 14वां वार्षिक लंगर तो जागरण लगातार जिदा अगे चलिया रहा उस तरह इस बार भी चलेगा। एक हफ्ते का पूरा लंगर होएगा, देसी घ्यो का लंगर चलेगा। 23 तरीक न सप्तमी वाले दिन महारानी के दरबार के जागरण होएगा, जिस विच मास्टर सलीम महामाई का गुणगान करनगे। 24 अष्टमी वाले दिन कंजक पूजन करके भोग पाया जाएगा। तो सारे ही माँ भगतों को बेनती है कि इस लंगर के जागरण के हुम हुमा के पहुँचो तो माँ चामुंडा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय माता। जय जी। मेरे बहुत ही सत्कारयोग शशि शर्मा जी, मेरे वड्डे भरा, अते सत्कारयोग मनोज नन्ना जी, मेरे वीर राजू भाजी, आनंद बैंस जी, विजय धर्मा जी, SP जी और सोनू जी, अज भगवान वाल्मीकि आश्रम के एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया, जड़ा 17 अगस्त को हर साल की तरह इस साल भी चामुंडा देवी महामा जी के एक बड़े व्डे पद्धर से हर साल की तरह इस साल भी लंगर का आयोजन जड़ा वा साढ़े सत्कारयोग शशि शर्मा जी की अध्यक्षा के हर साल करवाया जाता वा प्राचीन काली माता मंदिर कमेटी वालों। और इस बार 17 तरीक न लंगर की जी उसारी होएगी और 23 तरीक न महामाई का जागरण चामुंडा देवी माता जी के मंदिर के अंदर
जागरण का आयोजन किया जाऊगा, जिदे विच मास्टर सलीम जी उत्थे पहुँच के अपनी हाजिरी लगाएंगे अते सारे भगत जनों नूं महामाई का आशीर्वाद दिवाएंगे। तो मैं सारे शहर वासियों नूं यह बेनती करना चाहना वा कि सारे जने तुसी हुम हमा के 23 तरीक नूं पहुँच के एक तो महामाई का आशीर्वाद लो और मास्टर सलीम जी ने जो भेटा दे राही महामाई का गुणगान करना उन्हूं भी आके सुनो। तो मेरे वीर शिव शर्मा जी भी इस मीटिंग दे विच पहुँच के उन्होंने भी अपने विचारधारा रखी है और बड़े अहम मीटिंग हुई है कि लंगर किस किस तरह का किस किस दिन लाना वा वो सारा रूट प्लैन बन गया वा। तो मैं सारे अपने यार दोस्तों भी सारे अपने मित्रों और सभा की सोसायटी भी यह अपील करता वा कि तुसी 17 तो लैके 24 तक उत्थे हाजिरी लवाओ और लंगर बरताओ और महामाई का आशीर्वाद लो। जय माता दी। जकारा मां शेरानी दा बोल साचे दरबार की जय। जकारा मां चमुंडा देवी का बोल साचे दरबार की जय। मां चमुंडा देवी जी दी अपार कृपा दे नाल इस साल 14वां जागरण और लंगर मां चमुंडा देवी जी दे दरबार च लगाया जा रहा है। जागरण जो है वह 23 अगस्त 2023 नूं दिन बुधवार कराया जाएगा। इस जागरण में विश्व प्रसिद्ध भेटा के सरताज मास्टर सलीम जी महामाई का गुणगान करेंगे ते संगतां नूं निहाल करेंगे। इस तो अलावा 15 अगस्त असी इत्थों जावांगे, 17 अगस्त तो लंगर व्यवस्था बना के तैयार करके शुरू करांगे पहले नराते तो 25 अगस्त तक हर रोज़ 3 टाइम भोजन चाह नाश्ता समोसे पकौड़े 56 भोग देसी घ्यो दे विच बना के भगतों को वितरण किया जाएगा। और इस साल वाधे का साल है, सावन जो है इस साल डबल है, अधिक मास है। इस अधिक मास दे विच 32 तरह का भोजन खिलाने का रिवाज है। असी 32 का भी डबल 64 तरह का भोजन 24 तरीक अष्टमी नूं मां चमुंडा जी के दरबार में लगावांगे और इस विच महामाई का आशीर्वाद साढ़े बनया रहे। पिछली बार नालों ऐतकी बहुत ज़्यादा वध चढ़ के उत्साह नाल ये लंगर लगाया जाएगा। जकारा शेरानी दा बोल साचे दरबार की जय। आप सब जी नूं पता कि हर साल की तरह इस वेर भी पवित्र महामाई के नराते जो अगस्त महीने आ रहे हैं वो संबंध में अज भगवान वाल्मीकि आश्रम शशि शर्मा जी विपन सभरवाल जी साढ़े वे भी मनोहर निडा जी सारे की अगुवाई मीटिंग रखी गई है। हर साल की तरह इस साल भी असी अपनी पूरी टीम नाल वध तो वध जिनी भी श्रद्धा हुई पूरा सहयोग जिदा अगे देंदे आए हैं इस बार भी दवा गई। जय माता। हर साल की तरह इस साल भी माता के दरबार के 14वां लंगर श्री शशि शर्मा जी खन्ने भाजी विपन सभरवाल जी साढ़े शिव शर्मा जी सारे टीम विजय धर्मा जी साढ़े सोनू बाबा जी सारे असी पहुँच के उत्थे हाजिर जावांगे ते आपां सारे उत्थे दिल नाल तन नाल मन नाल जिन्ना भी सेवा हो सकेगी उत्थे करांगे। जय माता दी। जय माता दी। माँ बंगला मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान उदय सूर्यवंशी से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आप प्राणी कहलाते हैं, जो प्राणों के माध्यम से जीता है उसे प्राणी कहा जाता है। मनुष्य में 10 प्रकार के प्राण होते हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, अपने प्राणों के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अपने बल को नियंत्रण में रखो, उसे ज्यादा बढ़ाना या प्रदर्शित करना उचित नहीं होता। खून का संचार बनने से वे शरीर के लिए घातक हो जाता है, अतः मन वचन और भाव को सम्यक रखना आवश्यक है। इस अवसर पर समीर कपूर, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, नीरज कपूर, संजीव सौंधी, प्रदीप, डॉक्टर शर्मा, धीरज, बलजिंदर सिंह, प्रिंस कुंडल, रोहित भाटिया,
बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, एडवोकेट राजकुमार, मोहित अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली गोपाल मालपानी, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सांवरिया, यज्ञदत्त, रॉकी, बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, बाबा खन्ना, सुनील जग्गी, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बोल साचे दरबार की जय। मां बगला मुखी जी, मां बगला मुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी च स्थित है, जिहड़ा लम्मे पिंड चौंक के नजदीक है, मां की अपरंपार कृपा के नाल हर सप्ताह दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे मां भगत करवत प्रार्थना है कि वह ज्यादा तो ज्यादा महामई के चरणों के नाल जुड़ो, महामई के हवन यज्ञ च शामिल होवो और अपनी जिहड़ियां भी शरीरिक मानसिक आर्थिक कमियां उन्हां नूं आपां महामई के चरणों च अरदास बेनती के थ्रू हवन यज्ञ च आहुतियां के थ्रू डालीए और मां का आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर मैं दोबारा तो दसना चाहता हर वीरवार नूं सवेरे 6:30 to 7:30 और हर शनिवार को शामी 7 to 8 तक एक भव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ, अपने परिवार के नाल पहुँच के महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय मां बगला मुखी जी। अज जिहड़ा वीरवार का जिहड़ा लगातार श्रृंखलाबद्ध हवन होते हैं, मां बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी जिहड़ा कि स्थित हैगा, उत्थे लगातार जिहड़े है हर वीरवार जिहड़े हवन होंदे, अज उन्हां दी कड़ी दे विच अगला वीरवार का जिहड़ा हवन किया गया, जिंदे च संगतां जिहड़ियां सवेर तो 5:30 to 5:00 लै के जिहड़ियां संगतां जिहड़ियां उह हाजिर हो गईआं और महामाई दे विशाल भंडारे लगे हुए है, सांबर चौल लगे हुए है, अज भंडारा लगा हुआ है और सारे भगत जन जिहड़े आ ग्रहण करके जा रहे हैगे है। जय मां बगला मुखी, जय मां बगला, जयकारा बगला मुखी माता जी दा, बोल साचे दरबार की जय। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस दौरान श्री श्री 108 महाराज स्वामी ने कहा कि जो इंसान सुबह शाम एक एक माला माँ बंगला मुखी जी के महामंत्र के जाप का करता है, उसके सब बिगड़े हुए कार्य ठीक हो जाते हैं और घर में आ रही हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ओम हरि बगलामुखि सर्व दुष्टानां वचन मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। ओम हरि बगलामुखि सर्व दुष्टानां वचन मुखं पदं स्तंभे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरि ओम स्वाहा। विश्व के कल्याण के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से ये संकल्प लिया गया कि हम एक आस्था में बनकर एक शक्ति के रूप में महारानी की उपासना करते हुए अपने समाज में
जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको दूर करने के लिए हम संकल्प लेकर इस महायज्ञ को शुरू किया और आज हम बर्बादी है कि इसके द्वारा, इस हवन यज्ञ के द्वारा हजारों नहीं बल्कि लाखों जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से मन की जो भी बरात थी, उनकी मनोवांछित जो भी उन्होंने मांगा था उन सब का उनको मिला और आज देश विदेश में इस महायज्ञ की जो धूम है वो इसीलिए है क्योंकि सर्वप्रथम पंजाब की धरती में माँ भगवती का जो हवन यज्ञ था जो हमने किया था और आज भी कर रहे हैं और आगे भी ये करता रहेगा। कनाडा में 700 स्टूडेंट्स से डिपोर्ट किए जाने वाले मामले को लेकर जालंधर के एडीसीपी आदित्य ने जानकारी देते हुए बताया कि साल के शुरुआत में उनके पास उक्त मामले संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और साथ में कुछ कंप्लेंट्स भी आई थी, जिसके बाद उन्होंने ब्रिजेश मिश्रा और राहुल भार्गव के खिलाफ मार्च महीने में मल्टीपल FIR दर्ज की थी। इस मामले में SP रैंक के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मामले में राहुल भार्गव को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया था और अभी भी वह जेल में है। जालंधर के स्टूडेंट्स जो वहां फंसे थे उनको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कुल कितने जालंधर के बच्चे हैं उसका कोई भी आंकड़ा उनके पास नहीं आया, लेकिन उनके पास 3 शिकायतें आई हैं जिस पर वे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आगे भी उनके पास इस संदर्भ में कोई कंप्लेंट आती है तो वे ज़रूरत पर बनती कार्रवाई करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उनकी टीम अलग अलग एजेंसियों के टच में है, जैसे ही उनके पास कोई जानकारी आती है वे उस पर एक्शन ले रहे हैं। मास्टरमाइंड ब्रिजेश मिश्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक उसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है और उसके लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तुसी देख लो कि जब पहला जदों असी साडे कोले पहला इनफॉर्मेशन भी आई सी, असी कोले कंप्लेंट भी आई सी, असी ब्रिजेश मिश्रा दे अते ओदा एक पार्टनर हैगा राहुल भार्गव, उहदे च असी मल्टीपल FIR जिहड़ी है ओह असी दर्ज कीती सीगी साल दे इनिशियल मंथस दे विच। असी उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन जिहड़े च इन्वेस्टिगेशन कई केसां दी कंप्लीट हो चुकी है, वो असी कोर्ट ते दित्ते गए। कई केसां दे विच इन्वेस्टिगेशन हाले भी चल रही है, उहदे च जिहड़ा एक अक्यूज सी जिहड़े च दो मेन अक्यूज सी राहुल भार्गव अते जिहड़ा हैगा ब्रिजेश मिश्रा। राहुल भार्गव नूं असी अरैसट कर लिया सीगा, उहनूं अरैसट करके असी हाले राइट नाउ ही इज़ इन जेल। जिहड़ा ब्रिजेश मिश्रा हैगा उहदा जिहड़ा असी चैक कीता तो आउट ऑफ कंट्री जिहड़ा है वह पहला चलिया गया सीगा, उहदे लिए असी उहनां दा जिहड़ा लुकआउट सर्कूलर नोटिस है असी वह जारी करवा दिता हैगा। असी भी एफर्ट्स कर रहे हैंगे कि बई उन्हों जल्दी तो जल्दी असी नैब कर लेवे अते जड़ी इन्हां दी जिहड़े कोर्ट ऑफ लॉ तक है उन्हों पहुँचाया जाए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 30-40 ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। सतगुरु श्री रविदास जी महाराज के ज्योति जोत दिवस को समर्पित 126वां सालाना जोड़ मेला 15 जून से 18 जून तक श्री गुरु रविदास मंदिर चक हकीमा देहरा में बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इसी संबंध में डेरे के गद्दी नशीन महंत पुरुषोत्तम दास जी अपने साथियों सहित दैनिक सवेरा कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात कर उन्हें इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर महंत जतेंद्र कुमार, मंत्री रवि कुमार, डॉक्टर ज्ञानचंद, शिवराम भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर और प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। दास महंत पुरशोत्तम लाल इतिहासक देहरा श्री गुरु रविदास मंदिर चरण छोह धरती सतगुरु रविदास जी सतगुरु कबीर साहब के पावन स्थाना 126वां सालाना ज्योति ज्योति दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 15 तरीक वीरवार दिन तो शुरू होकर
18 तरीक दिन ऐतवार तक 4 दिन का समागम होगा जिदे दूर दराडे तो समूह संगत ने हाजिरी भरनी है। मैं संगत को बेनती करता हाँ कि इस पावन स्थान पर पहुँच के महाराज के घर दियाँ खुशियां प्राप्त करो, नाम ना जुड़ो और सतगुरु के फलसफे से तुर के आपा बेगमपुरे के सुपने साकार करिए। जय गुरुदेव, धन गुरदेव जी। साहिब कमाल धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की याद दे विच इतिहासक डेरा श्री गुरु रविदास मंदिर जो कि विश्व का सब तो पहला स्थान है, उस स्थान पर इस बार 126वां जिहड़ा सालाना जोड़ मेला है वह मनाया जा रहा है। सो सारी संगत को बेनती करते हैं मेले में पहुँचने की कृपालता करो जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर के सरकारी गुरु नानक देव अस्पताल में 2 वर्षीय बच्चे की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। अमृतसर के राजा सांसी क्षेत्र में लाहौर नहर कोली ट्रैक पर खड़ी लावारिस कार में से मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस ने 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 1.5 किलो हेरोइन, 53,000 रुपए की नकदी, 1 देसी कट्टा और 1 स्विफ्ट कार की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।